चलो जनाब इन्नी मैं गल दसनी भुल गया। असी वो लोग सूरमे बहादुर उन्हां दियां कहानियां पेश करन वाले लोग आ। ये साडा ये जिहड़ा राग आ गया यार की हो गया। अच्छा जिन्हें कहा कि बहादुर लोग उन्हां दियां कहानियां पेश करन वाले आ। इस महल्ले दे विच मेरी इन्नी क आवाज आई है गुजर बरादरी दे पास, इन्हां दे जिहड़े बजुर्ग सीगे ओह इसे चीज़ नूं पसंद करदे सी, इसे चीज़ नूं इहो चीज़ नूं पसंद करदे सी। सिर्फ इन्हां ने अपने बजुर्गां दी याददाश्त उन्हां ने ताजी कीती आ। मेहरबानी आ तुहाडी। और अगर तुसीं ना सुणोगे असीं तां परदेसी लोग आ, असीं तां चले ही जाणा। मगर मतलब इन्ना आ घर वालिआं ने बड़ा खर्चा कीता साडे ते, इत्थे तक उह देखो कित्थे फैसलाबाद ते कित्थे आए आ। तो असी वो लोग हैं, मैं अगे भी जनाब दे अगे अर्ज की आ, जो असी बहादुर की किसी की गल करनी जवाना के दिल वड्डे होंदे सीगे, जवाना के दिल वड्डे वड्डे होंदे सीगे। हुण राग चल पै डिस्को जा किसी आशक की असी गल करनी, लैला मजनू सस्सी पुन्नू हीर रांझा सोहनी मई वाल। तो बाकी जनाब एक मैनू बंदा कहिंदा भाई यार उस ही दौर के आशक सी, अज कोई आशक नहीं पैदा होंदा। मैं क्या अल्लाह दिया बंदे अज तो बाजार भरे पे आशकों के। कहिंदा इन्हां आशकों की शायरी करो, मैं क्या नसीबो लाल कर दे। असी नहीं करते, असी उन्हां आशकों की तारीफ करांगे जदों यार ना अख लड़ जाती सी, वह आशक पिछे नहीं सी मुड़दे। ऐ तुहाडे इलाके च सस्सी होई आ, देखो कितने तक बंबोर दे विचों बलोचिस्तान तक गई आ, और रेगिस्तान का इलाका भी पार कर गई। मगर यार ना अख लड़ी सी पिछे नहीं मुड़ी, पिछे नहीं मुड़ी। मैं कहा जिहदे आशक दे पहले अखां मारदे रहिंदे आ, जद अगला टिप्पल टू नूं हाथ पाउंदा आशक जदे मुकर जांदा। उहदा कहिंदा यार तैनूं तां शोभा पै गई, मेरी तां भैण लगदी आ। उहनूं असीं आशक नहीं कहिंदे। इश्क कमाउणा ऐसा कमाओ जिहड़ा उन्हां आशकां ने कमाया। हुण मैं जनाब दे अगे अर्ज करनी आ और किसे औलिया कराम की जिहड़ी तारीफ आ उहदे च असीं गलत नहीं बोलांगे। क्यों? उहदा सबूत आ तुहाडे पास, तारीख आ लिखी। अगर जिहड़ा दुल्ला जां मिर्जा इहदी तारीख तां है मगर एडी पाएदार नहीं। जे दुल्ले ने दो मारे असीं कहणा दुल्ले ने दस मारे, तुहानूं की पता है। मगर जिहड़ी तारीख की गल उहदे च विच बिल्कुल सही बयान करांगे। मेरा दिल करदा भी थोड़ी जी इत्थे असीं पहली दफा आए हाँ, जे तुसीं सुनना पसंद करो। और चलो अगे डिस्को गाने तो सुनते रहने, अज पंजाबी भी राग सुन लो। जनाब गौस पाक जिन्हां दी 11वीं शरीफ का खत्म दवाने आ, एक घंटे तो बाद जे ना चंगा लगू फिर तुसीं दसना। लो जी इन्हां दे वालिद साहब जिहड़े होया हज़रत अबू सालिया, अल्लाह दे वली अल्लाह दे प्यारे शहर जिलान दे रहण वाले और हसन दा खानदान सी। हज़रत दी नमाज ते फारग होके जनाब गौस पाक दे वालिद साहब शहर जिलान दे नाल जनाब इक नदी गुजरदी सी, नदी चलदी सी। उस नदी दे किनारे किनारे अल्लाह दे वली अल्लाह दी इबादत करदे फिरदे आ। हजूर दी जात पाक ने अल्लाह दे घर च पकड़े गए है। आपां भी मुसलमान जे साडा दा लग जाए ते अगले दियां बहियां खोल के तुर पैंदे आ, फिर असीं कलमा भी पढ़दे और कलमा पढ़ते ते जिहड़े जिन्होंने कलमा सानू पढ़ाया उन्हां दी सुन्नत अदा करिए, फिर इंशाल्लाह इस्लाम नूं हार नहीं कदे भी आऊगा। लो जी उन्होंने सेब पानी चो फड़ के खाधा, उन्हें कहा असीं अल्लाह दे घर च फड़े गए पकड़े गए। क्यों? किसे दा माल खा लिया। उस नदी दे किनारे ते इक अल्लाह दे वली अल्लाह का तौबा कर दे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। हजरत दा पुछा लिया किस तरह तौबा करते हैं।
देखो अल्लाह वाली ने सोचा असी किसी का माल खा लिया। खान साहब नुसरत ने भी गाया अमला दे होने ने बेड़े किसी नहीं तेरी बात पुछनी कले आए तो कल्या नहीं जा पता तो अगले पासे लगना इतने कर लीए असं जो मर्जी कर लेंगे। यार नु राजी करना बहुत औखा जे यार राजी हो गया तो रब भी राजी हो गया। इसे लिखिया जिवें मन दा यार नु मनाना पैंदा है झुग्गा यार पिछे अपना लटाना पैंदा भला किस तरह आख्या नाम।
जनाब हजरत मुसालिया जनाब गौस पाक ने उन्होंने वालद ने सोचा पहले यार नूं मना लिए रब ने तो बाद दे विच रब नूं उहदे अगे अर्ज करांगे लो जी किस तरह यार नूं मनाउण जांदे आ। उन्हें कहा या मौला ये सेब असी पानी चो फड़िया जिन्ना चिर सेब की कीमत नहीं असी अदा कर सकते। उन्हें कहा अल्लाह दे घर च बख्शिश नहीं होनी साडी। सरकार सोचते आ भी इस बालक की तलाश करिए भी सेब केदा देखो सेब ही सी पकड़िया उन्होंने। उन्हें क्या मालक की तलाश करिए अल्लाह दे वली उस नदी के किनारे ते सोची जांदे आ भई या अल्लाह सेब का पता नहीं असी पानी चो फड़िया। फिर सरकार दे दिल विच आ भी चढ़ते पासे वलो आया चलो इधर नूं चल पैने कदे तां मंजिल ते पहुंचांगे। एक सेब की खातर सरकार नूं घर नहीं दुनिया का चंगा लगा। उन्हें क्या अल्लाह दे घर च रस्ता साफ हो जाए यह घर बार छड़ के उस पानी के किनारे किनारे तुर पे कि ना कि इस सेब का मालक का पता लगूगा। लो जी अल्लाह के वली तुरे गए दिन गुजरे ज महीने गुजरे और सरकार मंजिल से पहुंच गए। जाके देख लगे सेबां का बाग उस नदी के किनारे ते आ गया। सेबां दे बूटियां दी डालियां इस तरह पानी ते झुकियां डालियां। सरकार ने सोचा भी अल्लाह भलावे ना सेब टुट के इत्थों गया सेब टुट के इत्थों गया। लो जी अगले पासे ध्यान मार के देख लगे इसी तरह बाग का दरवाजा आ गया। अल्लाह दे वली ने बाग के दरवाजे अगे ऐदा खलो के ध्यान मारिया। बाग का माली जिहड़ा खिदमतगार सीगा बूटियां दी परवरिश करदा सीगा पानी लाउंदा सीगा सरकार को कोई पता नहीं माल क्या या बाग का खिदमतकार है। आवाज मारदे सुनिया तुहाडी इजाजत होवे ते बाग के अंदर आ सकते हैं। अल्लाह दे वली दी जनाब जदों माली ने शक्ल देखी तां खुश हो गया। माली कहिंदा या सरकार मेरी की बजाल तो मना करन दी तुसी आ सकदे। अल्लाह दे वली चले गए माली नूं पुछण लगे जी बाग तुहाडा। माली ने अर्ज की आका मैं नौकर हाँ मैं खिदमतगार हाँ इस बाग का। फिर सरकार दूसरी बारी पुछदे आ मालिक उन्हें कहा जी जिहड़े बाग दे मालिक उन्हां दा नाम हजरत शाहबुद्दीन हजरत शाहबुद्दीन। सरकार पुछण लगे जी असीं उन्हां नूं मिलणा जानी मिसाल आ। वह बाग दे माली ने इस तरह इशारा करके दस्सिया कि बाग दे मालकां दा सामने दरवाजा। अल्लाह दे वली चले गए। अल्लाह ने सेब सिटिया पानी चेस तो सीगा इन्हां वलियां दे मेले करने सी। लो जी जाके देखण लगे बाग दे मालिक हजरत शाहबुद्दीन बैठे आ। इन्होंने दुआ सलाम आख्या उन्होंने वालेकुम सलाम आख्या इन्होंने तहल खिदमतकारी की। उस तो बाद बाग दे मालिक पुछण लगे बेटा तुसी कित्थों आए कित्थे नूं जाणा साडे पास आउण दा की मतलब तुहाडा। जदों बाग दे मालकां ने पुछया ते हजरत अबू सालिया नूं सिजरा गिण के दस्सी किवें हजरत अबू सालिया नूं कलमा नबी दा पढ़िया आकाशी आल जनाब रसूल दी साथे मीर अहमद दा भरिया साडा दादा हैदर सफदर जिन्हां दे अगे कोई ना अड़िया खतम दीन इमाम दे विच मैदान ने लड़िया या हजरत मेरा अबू सालिया नाम मेरे मां बाप ने धरिया असी रहिंदे विच जिलान दे। एक दिन मैं सैर करन चढ़िया आका मैं नदी किनारे देखिया जावे सेब पानी ते तरिया बैठ किनारे नदी दे मैं रुकिया जांदा फड़िया हजरत मैं पढ़ बिस्मिल्ला सेब नूं खा लिया। फिर मैं खौफ खुदा तो डरिया क्यों उन्हें क्या जिन्होंने माल किसी का खा लिया बंदा दोष के विच सड़िया जिन रखिया कैम ईमान नूं रब ने नूर दिलां विच भरिया वह सेब सी तुहाडे बाग दा इन्हां बूटियां नालों चढ़िया आका मैं उसे वेले तुर पिया तुहाडे आ बागां विच बढ़िया मैनूं अल्लाह वास्ते बख्श दिओ सुखन जबानों करे। सरकार ने शिजरा गिण के दस्सिया भई असीं शहर जिलान दे रहण वाले आ हसन दा खानदान आ दादा साडा मौला अली मुश्किल कुशा। जदों सरकार ने शिजरा गिण के दस्या बाग दे मालिक खुश हो गए। खुश होने का की मतलब सी उन्हां दा इन्हां क्या सी हसन दा खानदान बाग दे मालिक हुसैन दा खानदान सी। देखो अपना को खूनी रिश्ता आवे तां किन्नी किन्नी खुशी हुंदी है। देखो हुण शादी दे उत्ते कई खूनी रिश्ते आए बैठे आ बड़ी खुशी हुंदी खूनी रिश्ते दी। बाग दे मालिक खुश हो गए हद तो ज्यादा क्यों हद तो ज्यादा क्यों खुश है। उन्हां दी बेटी हजरत बीबी फातिमा नौ जवान ब्याहण वाली बैठी सी। बाग दे मालकां ने दिल च सोचा भी ये साडी जादिया साडा खानदान आ वाह मौला तेरा लख लख शुक्रिया या मौला मेहमान बना के घर भेज दिता। सरकार ने कहा अपनी बेटी का रिश्ता ही इन्हां नूं दे देना दिल च सोचा। फिर सरकार ने सोच के दिल विच भई ये भी तो साडी दादे दे पोतरे आ इन्हां दी कहड़ा शान घाटिया खबरिया बेटी का रिश्ता मंजूर कर या अनकार कर दे। सरकार दिल च सोच दिया फिर सरकार दे दिल विच आए पे नहीं कबूल करनगे क्यों
ਉਹਨ ਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮਾਨ ਸੀਗਾ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਬੈਠਿਆ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਉਹ ਸੇਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦਾ ਪਕੜਿਆ ਵਕਤ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੜਿਆ ਬਣਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਗੇੜ ਬਾਗੀ ਬਾਤ ਕਦੀਰ ਦੀ ਚਰਦੀ ਦੇ ਗੇੜ ਡਿੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਰੁੜਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ ਰੋੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪੁੰਚਾ ਬਸਤੀ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਕੜਿਆ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਗਵੇੜ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਸਤ ਖਾ ਲਿਆ ਲਾਈ ਜ਼ਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਬਖੇੜ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇਖੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਬ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਬੇਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸੀਏ